चीज को वापस दोहराया जाए और हम लोग इकट्ठे होके अपने आप को पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग करें, और इस मायने में हम काफी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं, तो ये भी चीज मनुवादियों को पसंद नहीं आ रही है। मैं अभी कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही तरीके से एक बात लिखी गई कि 6 दिसंबर को जो हुआ बाबरी मस्जिद के बारे में, उसमें कम से कम मनुवादियों का, ब्राह्मणों का कोई हाथ नहीं था। उसमें पूरी तरह अगर किसी ने तोड़ा है बाबरी मस्जिद को, तो वो 6 दिसंबर को दलितों ने तोड़ा है। ये बात दर्शाने की, लिखने की जो उनकी मंशा है, मैं समझता हूं यहां पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं वो समझ रहे हैं कि किसी भी हालात में दलितों और मुस्लिमों को एक नहीं होने देना है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अशोक भारती जी जैसे बड़े लोग और मेरे जैसे मजलिस के छोटे छोटे खादिम हर जगह जाकर ये बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर आज किसी चीज की जरूरत है तो दलित और मुस्लिमों को साथ आने की है। मैं एक बात और बताना चलूं कि 6 दिसंबर को जो हुआ वो सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई, उस दिन आपके साथ भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। 6 दिसंबर को जो दलितों का शोक दिवस था, जिसे हमेशा से आरएसएस, जनसंघ और मनुवादी ताकतें चाहती थी कि इसे हम अपने आप को शौर्य दिवस के रूप में मना लिया जाए, उन लोगों ने वही किया जो चाहते थे। खास 6 दिसंबर रखा गया इस काम के लिए ताकि वो लोग शौर्य दिवस मनाएं और आपके बाबा साहब की पुण्य तिथि पर गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तान में शौर्य दिवस मना रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। अब होना क्या चाहिए, बात सॉल्यूशन की भी होनी चाहिए, वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं बताता चलूं कि होना यह चाहिए कि जिस चीज को वो शौर्य दिवस मनाने रहे हैं, आप और हम मिलकर उसे ही इतना बड़ा शौक दिवस बना दें कि इस भारत में उस शौक दिवस के नीचे वो शौर्य दिवस दबके रह जाए। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना। आप अगर बाबरी मस्जिद के लिए शौक दिवस नहीं मना सकते तो बाबा साहब के लिए शौक दिवस बनाए, मैं तो दोनों के लिए मनाने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पर मौजूद अपने पत्रकार साथियों को भी एक पैगाम देना चाहता हूं। मेरे वालिद खुद एक सहाफी रहे हैं और मुझे अक्सर कहा करते थे और एक शेर सुनाया करते थे अकबर जलालाबादी साहब का कि खींचो न तुम कमान न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो फिर अखबार निकालो। जहां पर आप लोगों की इतनी ताकत को महसूस किया जाता हो, आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़े हुए हो लोगों के कि आप हमारी बात वहां पर रखेंगे, आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभा रहे, इसका भी हमें अफसोस है। आप ही के लिए एक मैसेज कहता हुआ मैं इस बात को यहां पर खत्म करूंगा कि बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आश ना तुझ पे आएगी, ये कलम किसी की गुलाम है, ये जबान किसी ने खरीद ली। इस बात को आपसे को समझना होगा, इन बातों को आपको आगे ले जाना होगा। इसी के बाद मैं यहाँ पर मौजूद हाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत खामोशी और जज्बे के साथ मेरी बात सुनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।